Welcome to भावना लोकेटेड इन पेल्विस रीजन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे होता है वो पेल्विस रीजन में होता है पेल्विस रीजन क्या होता है जो एबडोमिन और थाई के बीच का रीजन होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं हिप रीजन होता है यूरेनरी ब्लैडर होता है वो है पेल्विस रीजन क्लियर तो वहां पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता है इसमें एक किस किस से बना होता है क्या क्या होता है इसके अंदर इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस टेस्टिस का पेयर होता है पेयर का मतलब दो होते हैं अलोंग विद टेस्टिस के साथ साथ उसमें और क्या होता है असेसरी डट्स एंड ग्लैंड असेसरी डक्ट सहायक डक्ट्स जो इसमें और इसको हेल्प करती हैं डक्ट होती है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर -like होते हैं ग्लैंड होती हैं जो सिक्रीट करती हैं सबस्टांसिस को एंड द एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसका ऑर्गेन देट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया ये सारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है नेक्स्ट तो मेल के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन जिसको हम बोलते हैं वो टेस्टिस है तो टेस्टिस कहाँ पे होता है ए यहाँ पे टेस्टिस है जो टेस्टिस है वो एक पाउच के अंदर होता है ठीक है एक स्किन का मस्कुलर पाउच होता है उसका नाम है सेक्रोटम तो सेक्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस होता है ठीक है और ये जो सेक्रोटम है ये जो है एबडोमिन मतलब बॉडी के बाहर हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी से बाहर होते हैं हैंगिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है ये बॉडी के बाहर होता है इसका भी एक रीजन है कि ये बॉडी से बाहर क्यों होता है क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है कम टेम्परेचर हो, चाहिए होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में जो सेक्रोटम है उसका टेम्परेचर 2, टू 2.5 डिग्री कम होता है ठीक है इसीलिए जो है यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है क्योंकि उनको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्रोटम जो है बॉडी के बाहर क्यों होते हैं तो ये पता होना चाहिए क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से टू 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 पॉइंट फाइव दो से लेके दो डिग्री जो है वो कम होता है ठीक है अब हम पढ़ते हैं द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी विद इन पाउच कार्ड सेक्रोटम जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं जिनको सेक्रोटम बोलते हैं द सेक्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस दैट इज 2 टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वहां का सेक्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से दो से लेके दो पॉइंट पांच डिग्री जो है वो कम होता है एंड नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया होती है द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके लिए लोअर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट फोर टू फाइव सेंटीमीटर ठीक है ओवल होते हैं शेप में अंडाकार होते हैं और इनकी लेंथ जो है वो कितनी होती है कई बार क्वेश्चन आ सकता है फोर टू फाइव सेंटीमीटर होती है और इनकी जो विथ है वो होती है टू टू थ्री सेंटीमीटर लर्न इट द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है यहां पे देखो ए है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है तो टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है यहां पे दिखाया नहीं गया है टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया तो आगे ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है एनसीआर की बुक में इसका अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं आपको किसी और बुक से दिखा रही हूँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं बाद में ठीक है तो टेस्टिस है ये टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है उस कवरिंग का नाम है ट्यूनिका एल्बू इसके बाहर जो कवरिंग है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बू और टेस्टिस के अंदर 200 से लेके 250 कंपार्टमेंट होते हैं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है आप इसको याद रखना बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको लोब्यूल्स बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ए वाले ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लॉब्यूल्स कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट कम्प दिखा रहे हैं 200 से लेके 250 सौ टू हंड्रेड टू टू तक कंपार्टमेंट होते हैं लोब्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 200 से 250 तक ठीक है और इन लोब्यूल्स के अंदर वन टू थ्री एक से लेकर तीन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं क्वाइर्ड उलझी हुई ट्यूब जैसे होती हैं ए वाली जैसे आपको लग रहा होता इनको बोलते हैं इनके अंदर है देखो इनको बोलते हैं सेमिनी ट्यूब्यूल्स तो ये जो सेमिनी फेयरस ट्यूब्यूल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिस का जो स्पर्म बनता है वो कहाँ पे बनता है जो स्पर्म बनता है वो यहीं बनता है सेमिनी फेयरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्म की फॉर्मेशन जो है टेस्टिस के अंदर कहाँ पे होती है तो वो होती है सेमिनी फेयरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है टेस्टिस के बाहर की जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजीनिया फिर इसके अंदर 200 हंड्रेड टू टू फिफ्टी लोब्यूल्स होते हैं कंपार्टमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और उनके हरेक के अंदर एक लोब्यूल्स के अंदर वन टू थ्री एक से लेके तीन हरेक के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं के अब टेस्टिस की एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बुक से करवा देती हूँ द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग तो टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजीनिया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्यूनिका एल्बुजीनिया जो मैंने आपको डायग्राम में बताया उसके बाद ईच टेस्टिस हैज अबाउट टू फिफ्टी कम्पार्टमेंट उसके बाद मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि टेस्टिस के अंदर टू फिफ्टी कम्पार्टमेंट बॉक्स लेग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकूलर लोब्यूल्स वैसे ये टू हंड्रेड से टू फिफ्टी होते हैं बट यहाँ पे टू फिफ्टी है तो आप टू फिफ्टी ही लिखेंगे अबाउट टू फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी के बीच में होते हैं और उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ठीक है यहां पे भी है पर ये इतना क्लियर नहीं है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहां अंदर है ठीक है आगे ईच लोब्यूल्स कंटेन्स वन टू थ्री हाईली क्वायर्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है टू फिफ्टी हरेक में ईच में एक से लेके तीन हाईली क्वायर जो पूरी तरह से क्वायर जैसे कोई कोई ट्यूब होती है वो बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई है उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस और ये जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर जो है स्पर्म बनते हैं क्लियर तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स में होती है और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन है ठीक है इंटरनल स्ट्रक्चर है तो ये है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स में टू टाइप्स के सेल होते हैं इसके अंदर एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया इसको स्पर्मेटोगोनिया और इसको क्या बोलते हैं मेल जर्म सेल ठीक है याद रखना स्पर्मेटोगोनिया या फिर इसको मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं एक ये होता है दूसरा सर्टोली सेल होते हैं सर्टोली सेल तो ये जो फर्स्ट सेल है मेल जर्म सेल और जो दूसरा सेल है सर्टोली सेल तो ये जो सेमिनी फेरस के अंदर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया होते हैं इनके अंदर मियोसिस होती है मियोटिक डिवीजन होता है मियोसिस होती है और फिर ये स्पर्म बनाते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल हैं ये स्पर्म बनाते हैं ठीक है और जो सटोली सेल हैं, वो इनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं वो इनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं क्लियर तो अब हम पीछे से पढ़ते हैं बुक से ईच सेमिनी फेरस टिब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इन साइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स तो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनके अंदर की साइड टू टाइप्स के सेल होते हैं जो फर्स्ट सेल है दैट इज मेल जॉन सेल्स या जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं और जो दूसरे सेल हैं वो हैं सर्टोली सेल्स ठीक है जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया द मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो है अंडर गो डिवीजन डिविजन उनके अंदर म्योसिस होती है एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन और वो स्पर्म बनाते हैं वायल सर्टोली सेल जो होते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल वो ये जो मेल जर्म सेल हैं इनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं उसके बाद द रीजन आउटसाइड द सेमिनी फेरस टिब्यूल्स सेमिनी फेरस टिब्यूल्स के बाहर जो स्पेस होती है जो रीजन होता है जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स उसमें क्या क्या होता है उसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं एंड इंटर सेल्स होते हैं इंटरस्टिसियल स्पेस में इंटर सेल्स होते हैं और उनको लैडिग्स सेल्स भी बोल सकते हैं इसको मैं आपको डायग्राम में बता देती हूं तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा सेवनी फेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टू टाइप्स के सेल होते हैं मेल जर्म सेल होते हैं और सर्टोली सेल तो इसके बाहर की जो साइड होती है वहाँ पे जो स्पेस होता है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इंटर सेल्स और इनको क्या बोल सकते हैं लेडिग सेल यहाँ पे लिख लेना लेडिग सेल भी बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका क्या काम होता है जो मेल हार्मोन है मेल हार्मोन क्या है वो आपको पता है टेस्टास्टिरोन ठीक है जो मेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसके ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोजन उसका ही एक पार्ट है टेस्टास्टिरोन तो वो जो टेस्टास्टिर है मेल हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करते हैं लेडिग सेल ए इसका फंक्शन है द रीजन आउटसाइड द सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर का जो रीजन है उसको बोलेंगे इंटरस्टिसियल स्पेस इंटरस्टिसियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिनको लेडिग सेल भी बोलते हैं लेडिग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स तो जो लेडिक सेल है वो क्या बनाते हैं वो बनाते हैं हार्मोन्स जिनको बोलते हैं एंड्रोजन और जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टास्टिर वो भी इसका ही पार्ट है मतलब टेस्टास्टिरोन को सिक्रीट करते हैं लेडिक सेल ठीक है तो अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट यहां पे और कई कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं क्लियर तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसके अगला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू